We all have 24 hours and we have so much shit to get done in those 24 hours, right? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यू हैव प्रोजेक्ट्स, यू हैव डेडलाइंस, यू हैव एग्जाम्स, यू हैव टू स्टडी. आप कोचिंग जा रहे हो तो वो भी है. इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम और अ वर्किंग डैड, देन यू हैव टू बैलेंस बिटवीन योर होम एंड ऑफिस, ऑफिस पॉलिटिक्स, डेडलाइंस, क्लाइंट्स, फ्रस्ट्रेशन, घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स. देर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स एंड सो मच शिट टू गेट डन, राइट? बट सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं. And we have to somehow manage to get the best out of those 24 hours without burning ourselves out and without getting frustrated. इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करूंगी फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी दैट हैज पर्सनली हेल्प मी बैलेंस द मेनी साइड हसल्स दैट आई हैव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरा पहला टिप ये है दैट यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट. मुझे मालूम है दैट दिस इज़ अ वेरी सिंपल टिप एंड आपने बहुत लोगों को कहते हुए भी सुना होगा दैट यू नीड टू हैव अ टू डू लिस्ट. बट आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक वे टू मेक माई टू डू लिस्ट. नाउ वॉट आई डू इज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम आई हैव फॉर अ साइड हसल, आई मेक श्योर दैट माई टू डू लिस्ट हैज़ ओनली 3 to 5 आइटम्स इन अ डे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुल टाइम जॉब में हैं एंड आपके पास लेट्स से दैट वन डे में सिर्फ 1 or 2 आवर्स हैं, then you should not have more than 2 to 3 action items on your to-do list for a day for your side hustle. Kyunki I balance between a lot of side hustles, my freelancing business, my blog, my YouTube channel, and I have 2 blogs. So I distribute my time accordingly and each and every day my task list has only 5 items on it. Now, I'm not going to leave you here. I'm going to give you a pro tip that has helped me increase my productivity. Now, what I do is I have divided these 5 tasks into different things. So what I do is 2 of those tasks are extremely quick wins. So they're very simple tasks like emailing or sending out an invoice or sending out a simple mail to a client or anybody that I'm working with, etc. डिपेंडिंग ऑन आपका साइड हसल क्या है और आपके टास्क में कौन कौन से एक्शन आइटम्स हैं. नाउ द सेकंड थिंग दैट आई हैव 1 बिग एक्शन आइटम ऑन माय टू डू लिस्ट. एक दिन में मैं एक ही बड़ा एक्शन आइटम आई पुट इट ऑन माय टू डू लिस्ट. सो इट वुड बी समथिंग लाइक शूटिंग YT वीडियोस दैट इज हैपनिंग टुडे. सो आज के दिन का मेरा सबसे बड़ा एक्शन आइटम यही था दैट आई हैव टू शूट दिस वीडियो और राइट एन एंटायर ब्लॉग पोस्ट एंड स्केड्यूल इट आउट फ्रॉम एंड टू एंड, राइट? तो मैं सिर्फ एक ही कोई बड़ा टास्क इंक्लूड करती हूँ इन वन डे. एंड द लास्ट 2 आइटम्स इफ आई हैव द टाइम, अगर मेरे लिस्ट में 5 आइटम्स हैं, सो ये लास्ट 2 आइटम्स हमेशा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाले रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कल एक यूट्यूब वीडियो शूट करना है तो मैं आज क्या करूँगी, आई विल पुट द टास्क ऑफ प्लानिंग आउट माई स्क्रिप्ट टुडे. मैं कौन कौन से पॉइंट्स मुझे बोलने हैं, क्या क्या मुझे इंक्लूड करना है, हाउ डू आई हैव टू स्टार्ट द वीडियो, हाउ डू आई एंड द वीडियो एंड ऑल ऑफ दैट वुड बी ऑन माई टू डू लिस्ट टुडे. सिमिलरली अगर मेरे पास क्लाइंट वर्क है, आई सिट डाउन एंड आउटलाइन दोज आर्टिकल्स. तो मेरे हेड्स क्या हैं, मैं क्या क्या कवर कर सकती हूँ, वॉट आर आइडियाज आई हैव फ्रॉम माई माइंड, वॉट आर क्रिएटिव थिंग्स आई कैन इंक्लूड, वॉट आर स्टैटिस्टिक्स आई कैन इंक्लूड एंड ऑल ऑफ दोज आइडियाज आर पेन डाउन इन दिस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी टास्क. सो दिस इज मोर लाइक आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठे हो एंड यू नो यू आर जॉटिंग स्टफ डाउन. सो दैट्स द काइंड ऑफ टास्क दैट आई इंक्लूड ऑन माई टू डू लिस्ट. सो जस्ट टू रीकैप, maximum 5 tasks. If you are having 5 tasks, then have 2 small tasks, 1 major task and 2 planning or strategy kind of tasks. Agar aapke paas 3 hai, so you need to have 1 major task, 1 extremely small task and 1 maybe a strategy planning kind of task. The second thing that I want to talk about is either eat the frog. No, I'm not literally asking you to eat the frog. Ya fir easy wins. Depending on aapki personality kaisi hai. Kya aap easy wins se zyada motivate hote ho? या आप इस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होते हो दैट यू हैव ईटन द फ्रॉग. नाउ व्हाट इज ईट द फ्रॉग? सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन टाइम मैनेजमेंट वेर इन इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे बड़ा टास्क फिनिश करते हो, दैट वे यू मोर प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे बिकॉज सिर्फ छोटे छोटे टास्क आपके बचते हैं एंड दोज आर ईजियर टू फिनिश. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग इज टू ईट द फ्रॉग, दैट इज आप अपना अपने टू डू लिस्ट का सबसे बड़ा एक्शन आइटम सबसे पहले खत्म करते हो. कॉन्ट्ररी टू दिस इज ईजी विन्स. नाम से ही पता चल जाता है क्या है. बेसिकली आप क्या कर रहे हो सुबह उठ के, सबसे पहले आप ईमेल सेंड आउट कर रहे हो या ईमेल का रिस्पॉन्स कर रहे हो या बहुत छोटे छोटे टास्क फिनिश कर रहे हो सो दैट इट गिव्स यू
that dopamine in the brain and you know makes you happy that apne itna sara kaam finish kar liya hai already and you are motivated throughout the day to work on the other tasks on your action items. Personally, I stick with eating the frog because main subah subah 5 o'clock ya 6 o'clock uthti hu and at that time I have the peace to work on the bigger projects that I have. तो आर्टिकल लिखना होता है या वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो बहुत बार मैं ये सुबह ही कर लेती हूँ बिकॉज तब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज इन माई हाउस. नाउ लेट्स से दैट अगर आप एक 9 to 5 जॉब में हैं, अगर आप अपना साइड हसल अपने डे जॉब के साथ कर रहे हो, सो वॉट यू डू इज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन दैट फर्स्ट 1 hour पिक अप द बिगेस्ट टास्क दैट यू हैव एंड फिनिश दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ईजी विंस. बिकॉज ईजी विंस तो आप जब शाम को घर पे आओगे या शाम को वेन योर डे जॉब विल बी ओवर आपके पास स्टिल वो एनर्जी रहेगी कि आप वो छोटे छोटे टास्क जैसे ईमेल हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सब आप कर सको. इसीलिए इफ यू आर बैलेंसिंग बिटवीन योर जॉब एंड योर साइड हासिल, आई प्रिफर एंड आई रिकमेंड दैट यू गो विद ईटिंग द फ्रॉग. द थर्ड थिंग दैट आई रिकमेंड यू डू इज टू डे ब्लॉक. नाउ आपने टाइम ब्लॉकिंग के बारे में सुना होगा, आपने टास्क बैचिंग के बारे में भी सुना होगा, बट डे ब्लॉकिंग इज समथिंग दैट आई पर्सनली डू क्योंकि मेरे पास 3 साइड हसल्स हैं. बिकॉज आई ऑल्सो डू यूट्यूब, आई हैव 2 ब्लॉग्स एंड आई हैव फ्रीलांस राइटिंग बिजनेस एज वेल. आई हैव डिवाइडेड माई डेज इन टू द टास्क दैट आई एम गोइंग टू डू. दैट मीन्स मंडे को मैं अपना ब्लॉग करती हूँ, ट्यूजडे को मैं अपना यूट्यूब करती हूँ, वेंसडे थर्सडे को आई जनरली फोकस ऑन क्लाइंट वर्क एंड एनी डिलीवरेबल दैट आई हैव. फ्राइडे और सैटरडे को मैं फिर से अपने ब्लॉग पर फोकस करती हूँ. विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट is don't work after a certain time in a day. Last year, that is 2022, I struggled a lot with burnout. मुझसे हो ही नहीं रहा था कोई भी काम. I was not motivated, I was not focused. मुझसे कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा था and I realized that I'm pushing myself too hard. इसीलिए I decided that every day I'm not going to be working after 6 p.m. and मैं weekends पे भी work नहीं करूँगी. And this is extremely important to do. And this is my लास्ट प्रोडक्टिविटी टिप फॉर यू. आप दिन में डिसाइड कर लो कि आप कौन से टाइम के बाद नहीं वर्क करोगे. सो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वर्क आफ्टर 7 PM इन द इवनिंग. इससे क्या होगा, यू विल हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड यू विल हैव सम टाइम टू टेक ऑफ फ्रॉम योर वर्क. तो आपके माइंड को वो ब्रेक जरूरी है, वो ब्रेक नीडेड है टू कम बैक विद मोर क्रिएटिव आइडियाज. बिकॉज यू नो इफ यूर ब्लॉगिंग, इफ यूर फ्रीलांस राइटिंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ साइड हसल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी आउट ऑफ यू. एंड द लास्ट थिंग इज टू स्पेंड योर संडेज वाइजली. नाउ आप अगर फुल टाइम जॉब में भी हैं तो आपकी संडेज तो डेफिनेटली ही फ्री हैं. आई अंडरस्टैंड दैट आपके पास बहुत सारे काम हैं, यू हैव टू रन अ लॉट ऑफ एरेंड्स, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बट टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. तो ये कुछ भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई मेडिटेट अ लिटल बिट लॉन्गर ऑन संडेज. मैं कभी कभी योगा सेशंस भी अटेंड कर लेती हूँ बिकॉज आई रियली लव डूइंग योगा. एंड इफ आई कॉन्ट डू ऑल ऑफ दिस देन आई सिट डाउन एंड स्केच. जैसे कुछ दिन पहले I sketch this. So sketching में मुझे मज़ा आता है and it also helps me to not think about my work, not think about the goals I haven't achieved or the things that I haven't done in a week. So वो मेरे brain के लिए एक बहुत अच्छा break होता है and it is very important that you take that break to come back more creatively to what you're doing, to your side hustle. इसीलिए आप अपने आप को ज़्यादा push मत करो. Be happy with how much you have achieved. क्योंकि अगर आप मेरे सारे 5 tips एक साथ follow कर रहे हो ना, so you will end up achieving your goals because you will have a very focused to-do list. So these are my top 5 time management and productivity tips. Ab zarur try karna and please do comment and let me know if this has helped you out. We create videos about making money online, working from home and freelancing every week. So if you haven't already, please do hit the red icon below and subscribe to my channel, guys. Now I will take a leave and I'll come back with another video next week. Bye bye.